हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आपको मैंने सिखाया था मैजिकल ग्रेवी बनाना, उसी मैजिकल ग्रेवी से आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ मिक्स वेज, जिसके लिए मैंने एक कप ली है हमारी ब्रोकली और हमारी बेबी कॉर्न, इनको मैंने स्टीम किया हुआ है हल्का सा। एक कप है हमारी लाल और पीले वाली शिमला मिर्च, रेड और येलो बेल पेपर। आधा कप इसमें जा रहे हमारे स्टीम किए हुए कॉर्न, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून इसमें जा रहे हैं हमारा मैजिकल मसाला, जो ये जो मैजिकल मसाला है मेरा होममेड है और बिना लहसुन प्याज के बना हुआ है। 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा हमारा ऑयल, आधा टीस्पून इसमें जा रहा है हमारा जीरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और आधा कप इसमें जा रही है हमारी मैजिकल ग्रेवी। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे जो ये 3 टेबलस्पून घी है, इसमें से थोड़ा सा हमारा घी या ऑयल, आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। और जो ये हमारी बेल पेपर्स है इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे हम, क्योंकि बाकी जो सब्जी है वो हमारी स्टीम की हुई है तो उनको हल्का सा जरूरत है, इनको हल्का सा इनका कच्चापन निकलने तक सॉटे करेंगे हम हाई फ्लेम पे। इसके अंदर मैं गाजर या आलू वगैरह का यूज नहीं कर रही, क्योंकि हमारे जैन के अब पजूषणों का त्योहार चल रहा है जिसमें जमीकंद लोग नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी ये सब्जी आप बना सकते हैं। बाकी अगर आप वैसे इसको बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हैं, बीन्स कैरेट आलू वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। गोभी होगी हमारी, 2-3 मिनट हम इनको सॉटे करेंगे अच्छे से। मिक्स वेज के अंदर हम मटर को, पनीर को, भिंडी को, कई लोग भिंडी भी ऐड करते हैं, आप किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, पर जो मैं आज बना रही हूँ मैं एग्जॉटिक वेजिटेबल से बना रही हूँ ये हमारी। अगर आप विदाउट अनियन गार्लिक वाले मैजिकल मैगी मसाला की वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसकी वीडियो भी बना के अपने चैनल पे डाल दूंगी। ये हमारे बेल पेपर हो गए हैं सॉटे, इसको निकाल रहे हैं हम एक बाउल में। इसी पैन में हम अब करेंगे हमारी जो ब्रोकली है और जो हमारे बेबी कॉर्न है इनको भी सॉटे हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टीम है तो इनके अंदर बहुत ज्यादा हमें सॉटे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें भी मैं डाल रही हूँ घी तेल हमारा, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हमारे कॉर्न्स भी। 2-4 मिनट इनको भी सॉटे करेंगे अच्छे से हम। हमारे हो गए हैं, फ्लेम को हम कर रहे हैं बंद, इसको निकाल रहे हैं बाहर बाउल में। अब हमने लिया दूसरा पैन, उसमें डालेंगे जो बचा हुआ ऑयल है हमारा, वो जो हमारी ग्रेवी है उसके अंदर हमारे सारे मसाले ऑलरेडी एडेड हैं, तो हम कोई अलग से मसाला इसमें नहीं डालेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डाल रहे हैं हम जीरा, जीरा को हल्का सा भुनेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें डाले हम अपनी ग्रेवी, तो इसको 1-2 मिनट कुक करेंगे। हमारी ग्रेवी ऑलरेडी कुक है, इसको बहुत ज्यादा कुक करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट 1-2 मिनट कुक करके इसके अंदर हम डालेंगे अपने ड्राई मसाले सारे। जैसे इसको आपने 1-2 मिनट कुक किया, इन्हें अपना सारा ऑयल रिलीज कर दिया ग्रेवी ने। अब इसके अंदर डाले हम अपने मसाले, जो है मैजिक मसाला हमारा, नमक और हल्दी। हल्का सा भूनने के बाद, मसाले को 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम अपनी सब्जी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ग्रेवी के साथ इसको 2-4 मिनट हम कुक करेंगे ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 2-4 मिनट आप इसको कुक करें, उसके बाद हम करेंगे गार्निशिंग और हमारी सब्जी रेडी है। इसमें डाल रहे हैं हम, हमारे 4 मिनट हो गए, अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हमारा हरा धनिया और इसको करेंगे मिक्स, और हमारी सब्जी रेडी है। फ्लेम को हम कर रहे हैं बंद। हमारी मिक्स वेज रेडी है, बहुत ही जल्दी से बनने वाली सब्जी है। अगर आपके पास ये मैजिकल ग्रेवी रेडी है तो बिना लहसुन और प्याज के ये ग्रेवी बनती है हमारी, तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लहसुन प्याज नहीं खाते। आप ये ग्रेवी बना के रख लीजिए, 1 हफ्ते ये खराब नहीं होती है, और कभी भी आपको कोई सब्जी बनानी है तो आप इससे बना सकते हैं। अगर आपको मिक्स वेज की रेसिपी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक ऐसी ग्रेवी जो हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के, और उस ग्रेवी को आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 7-8 दिन के लिए। अगर आप उसे फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो आपकी वो चलेगी 3-4 महीने के लिए। और इस मैजिकल ग्रेवी से, या इस जो हम ग्रेवी बनाएंगे उससे, आप अपनी कोई भी सब्जी मिनटों में तैयार कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। अगर आपके पास वो ग्रेवी रेडी है और आपके घर किसी गेस्ट ने आना है तो उसी ग्रेवी से आप 3-4 सब्जी अपनी बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैजिकल ग्रेवी, और उसके बाद उस ग्रेवी से हम बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमारी सब्जियां। तो उस ग्रेवी के लिए मैंने लिया है टमाटर 1 किलो, जो आपको टमाटर लेना है वो बिल्कुल लाल लेना है। 2 हमारी जा रही है शिमला मिर्च बड़े साइज की, अगर आपके पास मीडियम साइज की है तो 3 ले लीजिए। अप्रोक्सीमेट जो इनका वेट है वो 100 ग्राम हुआ है।
थोड़े से इसमें जाएंगे हमारे धनिया की डंडिया जो अप्रोक्सीमेट हमारी होती है 25 ग्राम, 6 से 7 हमारी जाएंगी मिर्च, लाल मिर्च हमने सोक की हुई है, 3 से 4 इसमें जा रही है हमारी हरी मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 12 से 15 हम ले रहे हैं काजू, कुछ खड़े मसाले हैं जैसे 2 हमारे हैं तेज पत्ता, 1 है दालचीनी, 7 से 8 हमारी काली मिर्च, 6 से 7 हमारी लौंग, 4 हरी इलायची और 2 मोटी काली इलायची, 1 लिया है हमने अदरक का टुकड़ा 1 इंच का काट के, 1.5 टेबलस्पून इसमें जा रहा है हमारा ऑयल, 1 टेबलस्पून इसमें जा रही है हमारी कसूरी मेथी, 2 टीस्पून इसमें जा रहा है हमारी कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जा रही है हमारी हींग, 2 टीस्पून इसमें जा रही कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून इसमें जा रही है हमारा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जा रही है हमारी हल्दी, 1.5 टेबलस्पून ऑयल जाएगा हमारे तड़के के टाइम पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे टमाटर है इनको हम रफली चॉप कर लेंगे, जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा है वो निकाल दीजिए हमेशा। यह हम अपने सारे टमाटर ऐसे काट लेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ग्रेवी बनाना। एक पैन में हम डालेंगे हमारा 1.5 टेबलस्पून हमारा ऑयल जो था हाई फ्लेम पे ही हमने रखा हुआ है अपना, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम अपने खड़े मसाले, इनको हल्का सा सॉटे करेंगे। मसालों के सॉटे होने के बाद इसमें डाल रहे हैं हम अपनी शिमला मिर्च, 1 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर डाल रहे हैं हम अपना अदरक, हमारे काजू और हमारी हरी मिर्च, इसको 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे हाई फ्लेम पे ही, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम अपने टमाटर। हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डाल रहे हैं हम अपने टमाटर, हमारा धनिया, नमक, हमारी सोक हुई लाल मिर्च, इसको आप ढक के 8 से 10 मिनट कुक करेंगे हाई फ्लेम पे ही। ढक के इसको हम 8 से 10 मिनट कुक कर रहे हैं, इसको हम कुक कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, बीच बीच में इसको चलाते रहें। ये हमारे 10 मिनट हो गए हैं टमाटर को कुक होते हुए, फ्लेम को हम कर रहे हैं बंद, और इसके ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। जितने भी इसके अंदर आपके खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, इन सबको आप बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद इसको पीसेंगे हम, क्योंकि हमें जब गरम मसाले का फ्लेवर चाहिए था वो उबलते हुए हमारी ग्रेवी में आ चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको हम पीसेंगे। अभी हम कर रहे हैं इसके ठंडा होने की वेट। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा ठंडा हो गया है, और इसमें से मैंने सारे जो हमारे खड़े मसाले थे वो निकाल दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। ये हमने फाइन पेस्ट बना लिया सारा, इसको रख रहे हैं साइड में। दोबारा से लेंगे हम पैन, पैन में डालेंगे ऑयल, तेल के हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम अपनी तीखी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, हमारा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, हमारी हींग, और 1 मिनट के लिए इन मसालों को कुक करेंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद इसमें डाल रहे हम अपनी कसूरी मेथी, हल्का सा इसको भी भूनेंगे, और अब इसमें डाल रहे हम अपनी ग्रेवी, और इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से हम इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। अब हम 10 मिनट बाद देखेंगे, बीच बीच में इसको आप चलाते रहे, 10 मिनट इसको आप हाई फ्लेम पे कुक होने दीजिए। ये हमारी ग्रेवी को कुक होते हुए 10 मिनट हो गया। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम थोड़ा सा हमारा गरम पानी, 1/2 कप के अराउंड हमने डाला है इसके अंदर गरम पानी। अगर आप इस ग्रेवी को हल्का सा मीठा बनाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून इसमें आप डाल दीजिए हल्की सी शक्कर। अगर आप इसको हल्का स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसको आपको शक्कर डालने की कोई जरूरत नहीं है। गरम पानी डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट आप कुक करेंगे और हमारी ग्रेवी रेडी है। हमारे 5 मिनट हो गया, फ्लेम को हम कर रहे हैं बंद, और ये हमारी मैजिकल ग्रेवी रेडी है। इसको ठंडा करके आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, ये आपकी 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगी, और जब भी आपको कोई सब्जी बनानी है आप इससे बना सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीजर में रखिए, 3 से 4 महीने ये फ्रीजर में आपकी खराब नहीं होने वाली है। और जब भी आपको बनाना है इसको डिफ्रॉस्ट कीजिए, अपनी सब्जी बनाइए, और आपका काम बहुत झटपट से हो जाता है। ये अभी मैंने 1 किलो की बनाई है, और ये अराउंड मेरी जाएगी 4 से 5 सब्जियों में। अब इससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कि इससे हम सब्जी कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये मैजिकल ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।